बाला कैंट के महेशनगर में पंचदेव मंदिर के सामने सुबह लगभग 7:30 बजे एक घर में आग लग गई, जिसमें घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। मकान मालिक दुकान में बैठा था और उसकी बीवी वॉशिंग मशीन लगाकर छत पर सफाई करने के लिए गई हुई थी। अचानक उसका लड़का अंदर से आया और उसने बताया कि घर में आग लगी हुई है। उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। तुरंत फायर ब्रिगेड 10 मिनट में पहुंच गई और उसने आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। गर्म कपड़े, एसी, कंप्यूटर और काफ़ी सामान आग की चपेट में आने से जल गया। मौके पर महेश नगर थाना पुलिस भी पहुंच गई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला, पर लगता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। मेरा नाम हरिदास सुरेंद्र सिंह है, थाना मेसेवर से। हमें सुबह 7:30 बजे करीब दूसरा बिल्डिंग आने से आग लगी है। फोरी तौर पर मौके पर पहुंचे हैं। आग के कारण बिगड़ आगे हमारे से साथ ही बुला दिया उसको और आग पर काबू पा लिया है। जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। धर्मपाल अग्रवाल पता चला मैं दुकान में बैठा था नीचे जी। हाँ जी, वॉशिंग मशीन लगा के ऊपर छत पर तीसरी मंजिल सफाई करने गई हुई थी। बेटा दी जाने यार, मैं इसमें ड्राइंग रूम में बैठा था। वो आया कह रहा भी पापा अंदर कमरे में आग लग रही है। अंदर जाके देखा तो आग एकदम है, जो पानी पूरी दे रहा था, पानी पूरी दे रहा, आग उस पर पकड़ती जा रही थी। फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड आई। फिर बाकी आपके सामने है सारा एसी वीसी सब, गर्म कपड़ा जितना भी था 60-70 हज़ार रुपये भी वो भी, और कंप्यूटर भी सब। आग लगने का कारण पता चला आपको? आग आपके सामने ही, अभी तो कुछ नहीं कोई धूपबत्ती कोई धूप का भी मिशी कपड़ा जब नापती फिर लगाती मंदिर में। सर, फायर ब्रिगेड को जब आपने फ़ोन किया उसके कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड के आपके पास पहुंची? फायर ब्रिगेड अभी 10 मिनट में 7:15 बजे का टाइम था। हाँ जी, जब क्या लगता है कि कितना नुकसान हो? 2-2.5 लाख का, या सारी बिल्डिंग का समझो, सब एसी 2-2.5 लाख।